हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कानून अंधा होता है, यह बात तो हम हमेशा सुनते ही आए हैं। फिल्मों में, असल जिंदगी में यह बात हर कोई कहता है कि कानून अंधा होता है। वह सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता है, लेकिन ऐसे में क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा कि आखिर कानून अंधा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? और वहीं कोर्ट रूम में खड़ी इंसानों की देवी कौन होती है जो हाथ में तराजू लेकर खड़ी होती है? क्या भारत के अलावा विदेशी कोर्ट में भी यह महिला ऐसे ही इंसाफ का तराजू लेकर खड़ी होती है? तो आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी मामले में फंसते हैं तो हम सबसे पहले इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या बच्चा, अमीर हो या गरीब, इंसाफ के लिए वह कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाता है। जब भी उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसे लगता है कि कोर्ट ही आखिरी ऐसा जरिया है जहां उसके इंसाफ की सुनवाई होगी। लोग यही मानते हैं कि सही गलत, अच्छा बुरा सब कुछ देखकर कोर्ट में बैठा जज फैसला सुनाता है। ऐसे में जब भी सबूतों का अभाव होता है तो कानून के अंधे होने का हवाला भी दिया ही जाता है। यह बात तो आपने और हमने हमेशा ही सुनी है कि कानून अंधा होता है, इसलिए वह न्याय सुनाते समय यह नहीं देखता कि उसके आगे अमीर खड़ा है या गरीब, कोई नेता है या कोई आम इंसान, कोई बुजुर्ग है या बच्चा। वह सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। कानून नियमों का पालन करता है। कोर्ट रूम में इंसाफ का तराजू लिए खड़ी न्याय की देवी पर भी यह परिभाषा पूरी तरह से लागू होती है। इस देवी का रूप रंग भी कानून की परिभाषा को बयां करता है। ऐसे में बात कानून की देवी की करें तो बता दें कि असल में यह यूनान की एक देवी है। यूनान की देवी डिकी को न्याय की देवी कहा जाता था। वह थेमिस और जीएस की बेटी है। इसके अलावा कानून की देवी के लुक में भी एक राज छुपा है जो कानून के हर आयाम को दर्शाता है। इस रंग रूप और लुक के मुताबिक न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उनके हाथों में एक तराजू होता है, वहीं दूसरे हाथ में तलवार होती है। पैरों के नीचे सांप होता है। न्याय की देवी का तराजू यह दर्शाता है कि वह सच और झूठ को तोलना जानती है और तोलने के बाद ही अपना फैसला सुनाती है। वहीं उनके आंखों पर बंधी पट्टी यह बयां करती है कि वह अपने सामने खड़े इंसान का रसूख और शक्ति देखकर फैसले नहीं करती, वह सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले लेती है। बात कानून की देवी के दूसरे हाथ में खड़ी तलवार की करें तो बता दें कि वह दोधारी तलवार है जो दर्शाती है कि वह सिर्फ न्याय ही नहीं सुनाती बल्कि उसका पालन करवाने की भी शक्ति रखती है। इसके साथ ही उनके कपड़ों से यह पता चलता है कि यूनान में पुराने समय में आदरणीय और राजशाही लोग रहा करते थे। इसके अलावा उनके पैरों का सांप यह बताता है कि वह बुराई को कुचल देने की प्रतिभा से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।